मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुमरा के संजय नगर में एक गली का आवारा कुत्ता जो पागल हो जाने की वजह से करीब 35 से भी ज्यादा लोगों को काट लिया है। कल सुबह से लेकर देर रात तक कुत्ते का आतंक संजय नगर, शंकर मंदिर परिसर, बाबा जी पाटिलवाड़ी इलाका और मेन रोड पर चलने वाले ऐसे कई लोगों को इस कुत्ते ने काट कर घायल कर दिया है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। कुत्ते ने किसी के पैर में काटा तो किसी के हाथ में काटा, यहाँ तक कि 4 से 5 लोगों के चेहरे पर काट लिया है और काफ़ी गहरा जख्म भी इन्हें है। देर रात तक कुत्ते के आतंक को देखते हुए स्थानीय लोगों ने डॉक्टर तनवीर और समाज सेविका चेतना दीक्षित को इसके बारे में बताया, जिसके बाद मनपा में कुत्ते को पकड़ने वाली वैन को बुलाया गया और इसे पकड़ा गया। मगर वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इंसानों के साथ साथ इसने कई और गली के आवारा कुत्तों को भी काटा है और ये कुत्ते भी अगर पागल हुए तो लोगों को काट सकते हैं। हालांकि इस पागल कुत्ते को पकड़ लिया गया है। समीर भाई, क्या यहाँ कुत्ता पागल हुआ तो उसे पकड़ा गया? भाई, कुत्ता पकड़ा गया अभी, हमारे टीएमसी के लोग आए थे, हमारे लोगों ने कुत्ते को पकड़ा है, अभी उसको थाना वागले स्ट्रीट लेकर जा रहे हैं। संडे का दिन था, हमारा काम बंद रहता है, मगर फिर भी चेतना मैडम ने और यहाँ के राहुल, ये राहिल वगैरह लड़कों की मदद से हमारा एक काम हो गया। फटक से मैं शिरोडकर मैडम ने गाड़ी भेजी थी, अभी गाड़ी आई है, डॉग को डाल के लेकर जा रहे हैं। चेतना मैडम, सुबह से ये कुत्ता काट रहा था, अब तक कितने लोगों को काटा ऐसा कुछ? कम से कम अभी 8:30 बजे तक 35 लोगों को काट चुका था। फिर बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि उसको पकड़ने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है, तो मैंने जो टीएमसी की हेड मैडम है, वेटरनरी क्षमा करके हैं, क्षमा शिरोडकर मैडम, उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने अर्जेंटली वैन भेज के किया। उतने में वैन आने तक, अभी तक जो भी आधा पौना घंटा लगा, उतने में भी 15 लोगों को काट लिया। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि इसको एक पागल कुत्ता काटा था, उसके बाद से ये पागल हुआ और इसने भी और कई कुत्तों को काटा है, अभी तो आगे कुत्ते भी डेंजर है, तो ये मनपा को सूचना दी आप लोगों ने इसके बारे में? नहीं, उससे की उसके लिए तो हम लोग करेस्पोंडेंस करेंगे, लेकिन जो एरिया के जो कुत्ते रस्ते पे के हैं उनको हम लोग एंटी रेबीज का इंजेक्शन कल दिलवाएंगे।